क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। गुजरात में बीजेपी का सीएम चेहरा होंगे वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पार्टी के स्टेट चीफ ने बताई रणनीति। पांच साल पूरे करेगी सरकार, बजट होगा खास, सीएम की कुर्सी के घमासान के बीच कॉन्फिडेंट दिखे अशोक गहलोत। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नहीं मिला सेवा विस्तार, 3 अक्टूबर को समाप्त होगा कार्यकाल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मोदी पर तंज, कहा दंडवत कर मुझसे अधिक विनम्र दिखना चाहते हैं मोदी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर बोले कांग्रेस से संतुष्ट तो खड़गे को वोट दें, बदलाव के लिए मुझे चुने। पुदुचेरी में बिजली कटौती के विरोध में उतरे कांग्रेस विधायक, विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तैनात पुलिसकर्मियों का बढ़ेगा वेतन, डिप्टी सीएम बोले 2 दिनों में जारी होगा आदेश। सेना में शामिल होंगे 15 कॉम्बेट चॉपर, 1 मिनट में 750 गोलियां दाग सकता है, टेस्टिंग पूरी, राजनाथ कल जोधपुर में सेना को सौंपेंगे। राहुल के सामने कर्नाटक में बच्ची बोली पापा नहीं रहे, कहा पेंसिल लाकर देते थे, मुझे डॉक्टर बनना है, बातें सुन सबकी आंखें छलकी। गुजरात में झूमे भगवत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया गरबा, फरमाइश पर भांगड़ा भी किया। महाराष्ट्र में हेलो की जगह बोला जाएगा वंदे मातरम, शिंदे सरकार ने आदेश जारी किया। महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति मुर्मू व पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रक्षा विभाग के सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता। तेजस्वी यादव ने जब लंदन में गांधी प्रतिमा पर देखी गंदगी, अपने रूमाल से किया साफ। पूर्व सीजेआई एनवी रमणा ने कहा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कामकाज को लेकर चिंता को खारिज नहीं किया जा सकता। हापुड़ में 3 लोगों को बदमाशों ने मारी गोली, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तीनों, 2 की हालत गंभीर, बाइक से आए थे तीनों बदमाश। भदोही सड़क हादसे में 38 लोग घायल, दर्शनार्थियों से भरी बस ट्रक से टकराई, अंबेडकर नगर से विंध्याचल धाम करने जा रहे थे दर्शन। काशी में गांधी जयंती पर जबरन रोकी गई प्रांत फेरी, पुलिस ने कहा अनुमति नहीं, पदयात्री बोले आपके पास कोई आदेश नहीं। मुजफ्फरनगर में गांधी जयंती पर बापू और शास्त्री को नमन, चेयरपर्सन ने पालिका में ध्वजारोहण कर महापुरुषों के चित्रों पर किए भावपुष्प अर्पित।
फतेहपुर सड़क हादसे में दो की मौत, दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर, हेलमेट ना लगाना पड़ा भारी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचे पांच डकैत, 10 दिन पहले गांव खुद्दा में डाली थी डकैती। गांधी जयंती पर सीएम योगी ने चलाया चरखा, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी, बोले शास्त्री जी ने बापू के सपने को साकार किया। मेरठ में 20 मिनट तक जलती रही कार, ग्राम प्रधानों की जांच कर लौट रही थी महिला अधिकारी, पुलिस साजिश की कर रही जांच। उन्नाव में युवक की निर्मम हत्या, बाइक लेकर फरार हुए बदमाश, कलेक्शन कर लौट रहा था घर। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में लगे माता के जयकारे, माता वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़। कानपुर में हादसे के बाद एक्शन, 60 थाना प्रभारी समेत 4 पीआरवी जवान सस्पेंड, अन्य पर भी गिर सकती है गाज। बरेली में पुलिस कर्मियों की लाइन हाजिर, बड़े पैमाने पर शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने जांच के आधार पर की कार्रवाई। महोबा में गो तस्करों पर कार्रवाई, गो तस्करों पर लगाम लगाने के लिए सरकार चला रही लगातार अभियान। फतेहपुर में पुलिस ने चलाया अभियान, वाहनों की गई चेकिंग, बिना वजह घूम रहे लोगों को लगी फटकार। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया आह्वान, 4 साल पहले हुआ था लाठी चार्ज, तभी यूपी गेट का नाम रखा था किसान क्रांति गेट। ललितपुर में महिला के साथ रेप, पुलिस ने 2 दिन तक पीड़िता को टरकाया, एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ केस। कुशीनगर में अस्पताल की लापरवाही से प्रसूता की मौत, हालत गंभीर देख किया था रेफर, अस्पताल संचालक फरार। कन्नौज में बेहोश मिला युवक, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, जेब में मिला सुसाइड नोट और मोबाइल। बलिया में तालाब में डूबने से जवान की मौत, पोखर में नहाते समय हुआ हादसा, सेना में थे सूबेदार, छुट्टी पर आए थे घर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने गांधी परिवार पर बोला हमला, कहा गांधी परिवार के रिमोट पर चलेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष। लखीमपुर डीएमएसपी ने बुजुर्ग मतदाताओं का किया अभिनंदन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर क्षेत्रों में हुए कार्यक्रम। भदोही में स्कूल में पढ़ने गई 5 छात्रा बेहोश, कुछ स्कूल के बाहर और कुछ घर में हुई बेहोश, डीएम मौके पर पहुंचे। आगरा में नकाबपोश दबंगों ने बोला हमला, सड़क पर जो मिला उसको लाठी डंडों से पीटा, दिन में किसी और से हुआ था झगड़ा। मथुरा पहुंची मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन, वाइल्ड लाइफ एसओएस संरक्षण केंद्र में जाना हाथियों का हाल। अलीगढ़ में अपर नगर आयुक्त पर कार्रवाई, लोगों की भावनाएं आहत करने और महाराजा अग्रसेन के स्वागत द्वार तोड़ने का माना दोषी।
कानपुर में बड़ा हादसा, दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली तालाब में गिरी, 27 लोगों की मौत। कानपुर में एक ही रात में दूसरा बड़ा सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से करीब 4 लोगों की मौत। सीतापुर में ट्रैक्टर टैंकर के बीच जोरदार टक्कर, 4 लोग जिंदा जले, 2 वाहनों में लगी आग। वाराणसी में गोली मारकर युवक की हत्या, 1 घायल, भाई बोला घर से दुर्गा पूजा देखने के लिए दोस्त के साथ गया था। ललितपुर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 1 घायल, पेट्रोल पंप पर गए थे डीजल भरवाने। उत्तराखंड में भूकंप के झटके से डोली उत्तराकाशी की धरती, घरों से बाहर निकले लोग। अंकिता हत्याकांड के विरोध में उत्तराखंड बंद, आज मसूरी में दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे बाजार। तिरपनवीं जयंती पर उत्तराखंड में किया बापू को याद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अर्पित किए श्रद्धा। हरिद्वार जिला पंचायत में बनेगा भाजपा का बोर्ड 7 और निर्दलीय चुनाव जीते सदस्य बीजेपी में शामिल। उत्तराखंड के सीएम धामी ने जन्मदिन पर पूर्व सीएम खंडूडी को दी बधाई, बेटी रितु ने किया हवन। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कांग्रेसियों ने फूंका सरकार का पुतला, हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग। उत्तराखंड में भारतीय सैन्य अकादमी में पूरे किए 90 साल, अब तक 64,000 से ज्यादा जेंटलमैन कैडेट हुए पास आउट। अंकिता हत्या मामले में वीआईपी का पता लगाने में जुटी एसटीएफ, खंगाली जा रही घटना के दिन सक्रिय मोबाइलों की कुंडली। उत्तराखंड में मुस्लिम महिला ने संपत्ति हड़पने के लिए धर्म परिवर्तन कर की शादी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के देहरादून में मकान बेचने के नाम पर दंपति ने चिकित्सक से ठगे 85 लाख रुपए, मुकदमा दर्ज। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले नाना पाटेकर, कहा उत्तराखंड के लोग हैं बहुत अच्छे। कुमाऊं के 96 होटल और 19 रिजॉर्ट में मानक के विपरीत संचालित, 58 मालिकों को नोटिस, 8 होटल व रिजॉर्ट सील। उत्तराखंड में डेंगू मरीजों में प्लेटलेट्स गिरने की समस्या कम, एसटीएच में अब तक 40 मरीज भर्ती। हरीश रावत ने लगाया बड़ा आरोप, कहा डीएम और एसएसपी आवास के आगे उपवास करूंगा। उत्तराखंड में सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारी पहुंचे हाईकोर्ट, सेवा समाप्ति के आदेश को दी चुनौती। यूरोप के बाल्टिक सागर में फूट मीथेन बम, नॉर्थ स्ट्रीम लीकेज से पूरे यूरोप में मचा हाहाकार।
यूएन चीफ ने गांधी जयंती पर गांधी को किया याद, कहा उनकी सीख से आज की चुनौतियों को दे सकते हैं मात। पुतिन ने दुनिया को परमाणु तबाही की ओर करीब ला दिया, नाटो ने दी न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी, चरम पर तनाव। तुर्की ने पुतिन को दिया बहुत बड़ा झटका, कहा यूक्रेनी इलाकों को रूसी क्षेत्र के तौर पर नहीं देंगे मान्यता। म्यांमार में बंधक के भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, पेशेवरों को डिजिटल फ्रॉड के लिए किया जा रहा इस्तेमाल। फुटबॉल मैच के दौरान 127 लोगों की मौत, इंडोनेशिया में हारने वाली टीम के फैंस मैदान में घुसे, आंसू गैस, लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मची। पाकिस्तान में कभी भी हो सकती है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी, अरेस्ट वारंट जारी। चेचन नेता रमजान कादिरोव का खतरनाक बयान, कहा यूक्रेन में करे काम क्षमता वाले परमाणु हथियार का उपयोग। ब्राजील में नए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग आज, हार की कागार पर बोल्सोनारो ट्रंप की राह पर चल रहे। रूस के हमले से 20 यूक्रेनी नागरिकों की मौत, खार्किव में आम लोगों के काफिलों को बनाया निशाना, मरने वालों में 10 बच्चे। नहीं रहे सुजलॉन एनर्जी के फाउंडर तुलसी तांती का कार्डियक अरेस्ट से निधन, भारत के विंड मैन के नाम से जाने जाते थे। पहली बार छटनी करेंगे मार्क जुकरबर्ग की मेटा, टीमों के बजट घटाएगी, बजट की राह पर चल रही कंपनी। भारत में घटेगी चीनी फोन कंपनियों की हिस्सेदारी, कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के खिलाफ चल रही टैक्स चोरी की जांच। सितंबर में 1.47 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा। एफडी पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न, एक्सिस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, 6.15% तक मिलेगा इंटरेस्ट। एनएससी से जुड़े केस में ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। डीआरआई ने की बड़ी कार्रवाई, संतरे लदे ट्रक से मुंबई में 1,476 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ हुआ बरामद। ओरेकल पर अमेरिका में लगा 0.8 अरब जुर्माना, भारतीय अधिकारी को घूस देने का आरोप। ईडी जांच की आंच, 47.64 लाख रुपए मूल्य की क्रिप्टो करेंसी थीटर पर रोक। सरकार ने तेल निर्यात कंपनियों को दी राहत, विंडफॉल टैक्स 2,500 रुपए घटाया। हरभजन सिंह बोले लीजेंड्स लीग में महिलाओं का एम्पायरिंग करना समाज के लिए अच्छा संदेश। पाकिस्तान के कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया बड़ा बयान, जब हम बुरी तरह हारते हैं तो वो मुझे भेज देते हैं।
फाइनल में नमन ओझा के शानदार शतक पर सचिन तेंदुलकर का औसम रिएक्शन देखकर फैंस बोले इसे कहते हैं कप्तान। वेन स्टोक्स और हर्षा भोगले के बीच ट्विटर पर छिड़ी जंग, इंग्लिश खिलाड़ी ने ट्वीट कर निकाला गुस्सा। टी20 वर्ल्ड कप टीम पर राहुल द्रविड़ का बयान, कहा हमारे पास शानदार खिलाड़ी हैं, मैं टीम से खुश हूं। इंडिया लीजेंड्स लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, श्रीलंका को 33 रन से हराया विनय कुमार, 3 विकेट झटके, नमन के शतक ने दिलाई जीत। भारत ने श्रीलंका को 41 रन से हराया, महिला एशिया कप में जीत के साथ आगाज, हेमलता ने झटके विकेट, जेमीमा ने बनाए 76 रन। आईपीएल खेल चुके संदीप लामिछाने करेंगे सरेंडर, 17 वर्षीय नाबालिग से लगाया था दुष्कर्म का आरोप, नेपाल के कप्तान भी रह चुके हैं। पॉवेल की ताबड़तोड़ बैटिंग से जीती भज्जी की टीम, जोधपुर में मुकाबला, इंडिया कैपिटल्स आखिरी बॉल पर हारी। मेसी रोनाल्डो खेलेंगे आखिरी वर्ल्ड कप, 20 नवंबर को होगा टूर्नामेंट का आगाज, 32 टीमें 64 मुकाबले खेलेगी। एक बार फिर वेब सीरीज में दिखेंगी सुष्मिता सेन, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निभाएंगी ट्रांसजेंडर का रोल। मलाइका अरोड़ा ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोली अब मेरी अरबाज खान के साथ पहले से बेहतर। आयान ने देव के किरदार को लेकर किया खुलासा, बोले फैंस के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए हमने पहले पार्ट। गुड बाय का प्रमोशन करने अहमदाबाद पहुंची रश्मिका मदाना, नवरात्रि के मौके पर फैंस के साथ किया गरबा। साल की एक्ट्रेस मॉडल आकांक्षा मोहन ने की आत्महत्या, होटल में पंखे पर लटकी मिली बॉडी। शाहिद और ईशान ने किया जबरदस्त डांस, माइकल जैक्सन के गाने पर जमकर थिरके दोनों, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। बॉडी डबल के निधन पर सलमान खान का रिएक्शन, बोले हमेशा साथ रहने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। गुरु रंधावा का एक्टिंग डेब्यू, अनुपम खेर की 532वीं फिल्म में आएंगे नजर, दोनों एक्ट्रेस ने वीडियो पोस्ट कर दी जानकारी। मुनमुन दत्ता का लेटेस्ट वीडियो वायरल, बबीता जी पर भी चढ़ा गरबा का बुखार, दिखाए बेहतरीन डांस मूव्स। एयरपोर्ट पर अरुण गोविल को देख महिला ने छुए पैर, 35 साल बाद भी फैंस के लिए श्रीराम हैं एक्टर। प्राइम शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।